समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को राहुल गांधी का साथ बिल्कुल अब पसंद नहीं है और उन्होंने ये संकेत दे दिए हैं कि वो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ देंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह बात उन्होंने पीटीआई के अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा है और उन्होंने इशारा किया है कि वो राहुल गांधी के साथ बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेंगे। राहुल ने उनको काफ़ी वैसे भी ऑलरेडी विधानसभा चुनाव में डुबा दिया है। अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2019 का चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी अहम है क्योंकि यूपी से ही पूरे देश को ये संदेश जाएगा। 2019 को लेकर अभी से मैं किसी चुनावी गठबंधन पर विचार नहीं कर रहा हूँ। गठबंधन और सीट पर बातचीत की वजह से काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता। मेरा पूरा ध्यान अभी पार्टी को मजबूत करने पर है। अखिलेश ने आगे कहा है, उनकी राजनीति करने का अंदाज अलग है और समान विचारधारा वाले दलों के साथ दोस्ती को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त उनकी प्राथमिकता दूसरी है। साल 2019 के आम चुनाव के समय इस वक्त हम हर सीट के प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय समीकरणों पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यूपी में सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन फेल हो गया है। ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जो वो चाह रहे थे कि वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर और अपने को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएं, लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी से ही उनका रास्ता बंद कर दिया है। कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो यूपी में ही कांग्रेस की नैया इस बार डूब चुकी है क्योंकि उनके सहयोगी दल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राहुल से किनारा कर लिया है।